नया टैक्स हमने शुरू कर दिया है, इससे और भी बोझ पड़ेगा। तो मैं सुनता हूँ कि टैरिफ भी ये बढ़ाने वाले हैं। तो हर तरीके से यहाँ के लोगों को मुश्किल में नौकरियाँ कहीं हैं नहीं। मैंने तो सिस्टम शुरू कर दिया कि लोगों के घरों को गिराओ, दुकानों को गिराओ, अगर वो दो पैसे कमाते थे वो भी बंद हो गए। ये सब चीज़ें देखते हुए हमने कहा कि वक्त आ गया है कि हमें आपस में जाकर बात करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आगे हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम चुपचाप बैठे रहें तो ये लोग बढ़ाते जाएंगे, हर एक चीज़ में ये मुसीबत आपकी बढ़ाते जाएंगे। और अगर हम लोग इस पर चिंतन नहीं करें तो लोग समझेंगे कि हम लोग उनके उनके मामले में इंटरेस्ट ही नहीं है। हर तरफ से एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसे मैंने कहा कि सुविधाएं तो दो आप, गली मोहल्लों में सुविधाओं के नाम पर क्या है। हम तो बार बार कहते हैं मेरे घर से और आप सबके घर से अगर कोई कूड़ा उठाने वाली म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है तो वो 100 रुपए लेकर जाती है हर महीने के। आप कूड़ा उठाने के पैसे ले रहे हो, सीवरेज आपके पास है नहीं, किसी तरह की नालियां गलियां आपने डेवलपमेंट कोई करके नहीं दिखाई। जो बड़े बड़े सबज बाग दिखाए गए थे जनता को, जिसका लोगों ने शायद आगे बढ़कर आज हम मानते हैं कि हमने जो स्वागत किया था वो बहुत बड़ी हमारी गलती थी कि हमें नहीं पता था कि सरकार की नीयत ऐसी निकलेगी। हमने तो स्वागत किया था कि शायद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर दौड़ेगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है हमारी कि जम्मू कश्मीर सर्वोच्च राज्य बन चुका है बेरोजगारी में, सर्वोच्च राज्य बन चुका है महंगाई में। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रगुजार है कि वक्तन फवक्तन कुछ लोगों के इश्यूज के लिए जो है मीटिंग बुलाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो पहले भी काफ़ी मीटिंगें हुए वोटर लिस्ट को लेकर, जब ये 25,000 लोगों को यहाँ मिला रहे थे, वोटर मिला रहे थे, तब हमने ऑल पार्टीज मीटिंग की, उसके विरोध में खड़े हुए तो सरकार कहीं ना कहीं जागी तो 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो वोटर बने। अब जो इशू है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार गरीब लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, इम्तिहानों में चोरी हो रही है, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 बन चुका है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था, जब स्पेशल स्टेटस हटाया था, जब रियासत को 2 हिस्से किए थे, जब इस रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, उस वक्त अमित शाह जी ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी से मुक्ति देंगे, यहाँ का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक करेंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी। लेकिन तब से भी 3-4 साल हुए, बेरोजगारी आसमान पे पहुँची, लोग दरबदर हैं, जो नौकरियाँ निकलती हैं उनमें स्कैंडल हो रहे हैं। और आज भी इन्होंने एपटेक जैसी कंपनी आई लाई है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, तो हम उसके विरोध में भी खड़े हैं। जो डिमोलेशन हुआ गरीबों के ऊपर, उनके मकान तोड़े गए, दुकान तोड़े गए, उसके बाद जब इनको पता चला कि लोगों का गुस्सा इसमें है, लोग इनको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे, तो इन्होंने वो बंद किया। मैं अपील करता हूं सरकार से कि इमिजिएटली उनको मुआवजा दिया जाए, अपनी दुकान और अपने मकान जो है बना के वापस दिए जाने चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई का मसला, इस वक्त महंगाई का तूफान है, गैस सिलेंडर की रेट देखो जो 450 कांग्रेस के टाइम में थे आज 1200-1300 पहुंचा है, तेल जो 50 रुपये की बोतल कांग्रेस के टाइम में थे आज 200 की है, चावल के रेट देखो, आटे के रेट देखो, लोग परेशान हैं। अभी बिजली का बिल ये फर्स्ट से बढ़ा रहे हैं, लोगों को स्मार्ट मीटर दे रहे हैं। ये सारा जो मसला है लोगों के, मुझे लगता है 9 साल में इस सरकार ने एक भी काम लोगों के हित में नहीं किया, लोगों के मुखालिफ किया। डेली वेजर सड़कों पर, आंगनबाड़ी सड़कों पर, NRHM, मनरेगा, रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़रात, हर एक जो है सड़कों पे है, नया तो इनने कोई लगाया नहीं, पुरानों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो ये। तो आज सब मुद्दों पे बात होगी, सब चीज़ें सामने रखी जाएंगी, जो लायामल तय होगा, कांग्रेस उसके साथ है, हम इस जालिम सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस जो है गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। गवर्नर साहब ने कहा कि लैंड एक्शन ट्रायल जो है दोबारा से जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। देखो, इन्होंने कहा था माफियाओं से जमीन छीनेंगे, किस माफिया से इन्होंने जमीन छीनी? किसी से नहीं, खाली टारगेटेड इन्होंने बेचारे गरीब लोगों के दुकानें बंद कर दी, गरीबों को खत्म किया। शुक्रिया।